नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। साथियों, कल हमने आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई और अमृत महोत्सव के नाम से इसको हमने मनाया। हमने देखा मंदिरों के शहर जम्मू के अंदर इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष पर जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, जहां हमारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी, वहां पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स का, खासकर रात के तौर पे जो लाइट्स थी उससे सजाया गया था। अभी इस समय मैं हूँ मंदिरों के शहर जम्मू के जो रेलवे स्टेशन है, तब जम्मू तवी के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पे। और इस समय आप देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो मैं उनको बोलूँगा, जहाँ की जो हमने लाइटिंग तो लगा दी 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे, लेकिन जम्मू तवी का जो नाम है वो देखिए, कहीं वो जो बैनर है, जो पोस्टर है, वो बोर्ड जो है कहीं ना कहीं गिर रहा है। जैसे कैमरे में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में तो जम्मू तवी लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ खाली जगह है और उसके ऊपर जो ब्लू में है, शायद उर्दू में लिखा था जम्मू तवी, वो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो इस लाइटिंग का लगाने का मतलब तब ख़त्म हो जाता है जब हम जम्मू तवी के नाम को नहीं दर्शा सकते। और अगर हम बिल्कुल टॉप पर कहूँ, जो आपको सर्कुलर गोल सा दिख रहा है, तो वहाँ पर डिजिटल जो वॉच होती है, घड़ी होती है, वो टाइमिंग दिखाती थी। और वर्तमान समय में अगर आप देख सकें कैमरे के थ्रू, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, उस पर लाइट नहीं दिख रही है। देखिए सैलानी किस तरह से आ रहे हैं। आपको पता है मंदिरों के शहर जम्मू में जो ज़्यादातर सैलानी होता है, वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आता है और रेलवे के रूट से आता है, तो वो ज़्यादातर ये जम्मू तवी के जो रेलवे स्टेशन है यहीं पर आता है। इस समय भी सीढ़ियों पर बैठा हुआ, सीढ़ियों की हालत देखिए, ये इतनी अच्छी नहीं है कि जहाँ से हम कह सकें कि ये वाकई में हम जो जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ जो प्लान किया गया है, 100 शहरों के अंतर्गत जो सिटी बनानी थी उसके तहत है। देखिए कहीं ना कहीं पैचेस हैं, ख़राब है, मैं और भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सैलानी जहां पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ संदेश देता है, हमने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे तो यहाँ पे लाइटिंग लगा दी, लेकिन नाम ठीक कौन करेगा। हमने जम्मू स्मार्ट सिटी का नाम के बैनर तो लगा दिए, लेकिन जहाँ ये स्मार्ट बनाने की कोशिश कौन करेगा। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो जहाँ पे सैलानी आए हुए हैं उनसे भी, कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं या कैसा लग रहा है। आइए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका गुड नेम? गुड नेम अर्पित त्यागी। अर्पित त्यागी, अर्पित त्यागी। अर्पित जी, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, आप कहाँ आए हैं इस समय? वैष्णो देवी। दर्शन कर लिए कि करने जाएंगे? कर लिए। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यस। यहाँ पे जो आपको रेलवे स्टेशन पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, आप इधर सीढ़ियों पे बैठे, आपको क्या लगता है कहीं कमी है या ठीक है या अप टू लेवल है? सर, क्लीनिंग नहीं है बिल्कुल भी, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है बिल्कुल भी, सफाई का बहुत कम ध्यान रखा गया है। संतुष्टि नहीं है यात्रा से। यात्रा से संतुष्टि नहीं है? दर्शन तो आपके अच्छे हो गए ना? दर्शन तो अच्छे हो गए, स्टेशन की कंडीशन अच्छी ना होने के कारण, गुड कंडीशन नहीं है स्टेशन की। स्टेशन की कंडीशन गुड नहीं है। आप परिवार के साथ आए हैं? Yes. तभी आपकी ट्रेन कितने बजे है? हमारी 10 बजे ट्रेन है, 10:30। तो तब तक आप इधर ही बैठेंगे? नहीं, अंदर जाएंगे, यहाँ अच्छा नहीं है माहौल। ये थे अर्पित जी जो हैं मुजफ्फरनगर से, यूपी से, जिनका ये कहना है कि यहाँ पे जो बैठने की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्लीनिंग अच्छी नहीं है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी का नाम तो हमने दे दिया, लेकिन वो स्मार्ट कब होगी, या खासकर जब हमें पता है इतना ज़्यादा फुटफॉल है रेलवे स्टेशन जम्मू तवी पे, क्योंकि बाहर से जितना भी सैलानी आएगा, चाहे वो श्रीनगर जाना हो, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना हो, वो सारे का सारा सैलानी जो है सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर आता है। और जब उसको इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि नहीं होती अपनी यात्रा से। इस समय हमारे साथ कुछ सैलानी जुड़ रखे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? देवेंद्र भार्गव, राजस्थान दौसा से हूँ। देवेंद्र जी कहाँ से आप? राजस्थान दौसा से। देवेंद्र जी, आप कहाँ इधर जम्मू में कहाँ आए थे? हम वैष्णो देवी कटरा। वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए कि जाएंगे? नहीं जी सर, करके आए। करके आए हैं, कैसे रहे, ठीक रहे? हाँ, बाकी तो अच्छा है, लेकिन गंदगी यहाँ बहुत बेहाल है, यहाँ का माहौल बहुत बेकार है यहाँ का। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन। मतलब जब आप बेकार कहते हैं तो किस सेंस में, कोई एक दो चीज़ गिन के बताएंगे? जैसे यहाँ का मोनोग्राफ देखो आप सामने है जम्मू तवी का, अब कोई अनजान आदमी आएगा तो पहचान नहीं पाएगा, ना तो हिंदी में ना उर्दू में, उन्हें यहाँ की बाहर निकलते ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ का। मतलब कि रिसेप्शन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, कोई पूछताछ भी कोई सही ढंग से नहीं है यहाँ की। अभी आप यहाँ से वापिस जाएंगे?
जी स्टेशन के अंदर जाना है हमें। नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे? ट्रेन 5:30 बजे की पूजा एक्सप्रेस। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जो नेक्स्ट बार आए तो आप चेंज देखें? यही मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ की एक तो सबसे बड़ी समस्या तो गंदगी की है, यहाँ तो जगह जगह गंदगी के ढेर कूड़े कचरा पड़ा हुआ है यहाँ का। दूसरी बात कि जो लोग आते हैं यहाँ पे रिसेप्शन का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, पता नहीं है कोई अंदर आता है कोई बाहर जाता है तो कोई पता नहीं होता। फिर दूसरी बात कोविड के चक्कर में मास्क का है, मास्क का अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अधिकांश पब्लिक बिना मास्क के ही यूज चल रही है यहाँ पे। तो मेरा यही प्रशासन से निवेदन है कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और दूसरी बात ये जो गंदगी का ढेर है ये लगे हुए हैं देखो आपके सामने पड़ा हुआ है, इनके खिलाफ भी कुछ करें। यही जय माता दी। जय माता। आइए बात करने की कोशिश करते हैं जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे कुली हैं, मेरे साथ इस समय जुड़ रखे हैं विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, ये जो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सामने जम्मू तवी का नाम नहीं लिखा हुआ है, मैंने सैलानियों से बात की वो कहते हैं यहाँ गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, जम्मू में तो गंदगी है ही है, इसमें हमारे जम्मू जो डिपार्टमेंट स्वास्थ्य सफाई का डिपार्टमेंट है इनके बारे में जब बोला जाता है तो इनको बोलते हैं कि हमारे पास मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, मतलब कि वर्कर नहीं है हमारे पास, तो इसकी वजह से जो गंदगी फैलाए रहते हैं और इसकी वजह से हमारा पूरा जो जम्मू है गंदगी नज़र से देखा जाता है। ये जो मैंने सैलानियों से बात कर रहा था वो कह रहा था यहाँ पे सुविधाओं की कमी है, रिसेप्शन पे कोई बंदा नहीं रहता है, गंदगी अभी आपने कहा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब कुली सेक्शन से जो आपका अपना एक मतलब कि पूरा आपका एक दायरा है, जो और भी आपके कुली भाई हैं उनकी तरफ से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जहाँ कोई डिमांड है जो आप रखना चाहेंगे? हाँ जी सर, हमारी डिमांड है कि जैसे कि 2008 में लालू जी ने उन्होंने पूरे कुलियों को नौकरी दी थी, मतलब ग्रुप डी में दर्जा दिया था, उनके बाद हमें भर्ती किया गया, हमें भी ये कहा गया था कि 5-6 साल के बाद आपको भर्ती मतलब नौकरी दी जाएगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसे ही कहते आते हैं। हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, हम हर बार जब भी आते हैं रेल मंत्री आता है हम अपना मांग पत्र उनको देते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने लास्ट बार मांग पत्र कब भेजा था? अभी जब पिछली बार रेल मंत्री इधर आए थे हम सब ने मिलकर मांग पत्र दिया था, हर बार जब भी आते हैं मांग पत्र देते हैं। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो टैक्सी यूनियन है यहाँ पे उनसे। सर आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू सर। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सर प्रकाश सिंह बादल और मैं यहाँ टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन चलाना क्या है यहाँ तो बहुत बुरा हाल है कि 2 साल कोरोना ने हमको मारा, इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था, कम से कम 5,000 रुपये ऑटो टैक्सी वालों को दे गया, हम तो हिंदू होके भी मरे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी को वोट दिया था हमने जम्मू वालों ने, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, ये बीजेपी हमको ही मारने के लिए तुली हुई है। अब आप देखो जितनी ट्रेनें थी सभी कटरा भेज दी, आओ और सीधा जाओ, ये कुली भाई भी देखो क्या हाल हो गया इनका, 10-10 दिन जिनका फेरा नहीं लगना कहाँ जाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी कोई 4-5 VIP ट्रेनें लगनी चाहिए ताकि हमारे भी बच्चे पले, नहीं तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। देखो गंदगी भी कितनी है, देखो लिफाफे आराम से घूम रहे हैं, वो घड़ी है रेलवे स्टेशन की वो भी टूटी हुई है, वो करते करते 2 सैली पा लो, हम गरीब हैं रेलवे गरीब थोड़ी है, अब तो प्राइवेट हो गई है, अब तो अंडानी वानी जिंदाबाद तो हम गए, इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है। देखो पूरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो गाड़ी हमारी 15-15 लाख की थी आज 3 लाख में कोई ले गए राजी नहीं, कहते क्यों लें, खड़ी गाड़ियों को इंश्योरेंस कराएं, सवारी तो है ही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी साहब हमारी भी ये सुन लो, तो हमारी रिक्वेस्ट है सो प्लीज़। ये देखो ये ट्रैक्टर, इधर थोड़ा कैमरा करो सर, ये हमने अपने पैसे इकट्ठे करके ये हम खुद अपनी सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि हम भी फौज के एक्स मैन हैं, हम फौज में भी सफाई में रहते तो यहाँ भी सफाई करते, जेब में चाहे पैसा नहीं है। ये देखिए जो भी सोनालिका का ब्लू कलर का ट्रैक्टर है, ये टैक्सी यूनियन का कहना है कि उन्होंने पैसे खुद के इकट्ठे किए हैं टैक्सी यूनियन से और जहाँ पे सफाई करवा रहे हैं, और जीएमसी और रेलवे कहीं दूर दूर तक यहाँ नज़र नहीं आती, स्वच्छता का नाम नहीं है यहाँ पे, शायद यही कारण है कि सैलानियों की भी वही जो है एक जहाँ पे उनकी शिकायत है कि स्वच्छता को कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी उन्होंने कहा सिर्फ ऊपर ऊपर तक किताबों में ही है या पेपर में ही है, ग्राउंड में जम्मू स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिख। तो आपने देखा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन मंदिरों के शहर जम्मू में जो
जहाँ पे उनका मोनोग्राफ भी नहीं है, नाम भी टूटे फूटे हैं, जहाँ एक ही भाषा में नाम लिखे हुए हैं। ज़्यादातर जो सैलानी हैं उनकी यही शिकायत है कि उनके जो जम्मू तवी का नाम है उनको जहाँ पे दिख नहीं रहा। घड़ी जो है वो बंद पड़ी हुई है वहाँ पे। हमने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे तो रात में उसको लाइटिंग से सजा दिया, लेकिन उसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, घड़ी जो उसके नाम हैं, वो हमने अभी तक ठीक नहीं किए। हमने टैक्सी यूनियन वालों से भी बात की, उनका ये कहना है कि कुछ डायरेक्ट ट्रेन जाने की वजह से यहाँ से जो काम है कम हो गया, उनकी गाड़ी खड़ी खड़ी ख़राब हो रही है, कोरोना की ऑलरेडी उनको ज़्यादा मार है। और जब मैं कुलियों से बात की तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर सफाई नहीं है। टैक्सी यूनियन ने कहा वो अपने खुद के पैसे दे के यहाँ पे, हमने ट्रैक्टर दिखाने की कोशिश की, खुद के पैसे दे के वो यहाँ पे सफाई करवाने की कोशिश करते हैं। सैलानियों की शिकायत है जहाँ पे स्वच्छता नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैलानी किस तरीके से लेटे हुए हैं और कितनी गंदगी है यहाँ पे। मैं बात करूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे जम्मू स्मार्ट सिटी के प्लान के मुताबिक ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइलें टूटी हुई हैं, सीढ़ियाँ अच्छी नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो भद्दी दिखती हैं। जम्मू की जो छवि है उसको धक्का लगता है और कहीं ना कहीं जो सैलानी है उसकी आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। ऐसे सैलानियों से जब हमने बात की थी उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है कि जम्मू के इस रेलवे स्टेशन से, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्शन पे भी कोई उनको इतना तवज्जो नहीं देता है प्रशासन को, और प्रशासन के साथ साथ सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।